Yes. So this is my second attempt to fly. साला दो दिन में दूसरा अटेम्प्ट कर लो उड़ने का, उड़ ही नहीं पा रहा. पहले पार्ट में जहाँ मैं फर्स्ट डे कल गए थे हम एरोप्लेन में चढ़ने के लिए, उन्होंने बोला बेटा जाओ घर जाओ, हो गया तुम्हारा कट्टा. तो कोई नहीं, तो कोई नहीं. अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो गया है. हम लोग 7:30 तक पहुंच जाएंगे. जहाँ हम कल 9 बजे पहुंचे थे, हम 7:30 बजे पहुंच जाएंगे. भाई 4-3 घंटे पहले पहुंच जाऊँ, बोर्डिंग करके सब कुछ करके मैं प्लेन के पास खड़ा हो जाऊंगा. ये कि भाई मेरे को इस प्लेन में जाना है. अंकल जी मैं दूसरी बार जा रहा हूँ प्लेन में. हेलो अंकल जी, सुन लो यार, बोलो सुन लो. स्कॉर्पियो 11 मेरा अटेम्प्ट 2 है. 2 भगवान, भगवान इस टाइम प्लीज 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 बोर्ड करवा दो यार प्लेन में, मुझे बैठना है. देखना मुझे प्लेन अंदर से होता दिखता कैसे है. प्लेन यहाँ पे जितने भी एंट्री गेट्स है ना, 1-8 एंट्री आप कहीं से भी कर सकते हैं. भाई 7:20 हो गए हैं और हम काफी पहले पहुंच गए हैं. 10:50 की ट्रेन. मैं यार नर्डी नूब, कभी तो बढ़ता ट्रेन से आगे. तो 10:50 की फ्लाइट है, हम होपफुली आज बोर्ड करेंगे फ्लाइट. बाय. बाय बाय दिल्ली भाई. फाइनली 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 हमने सिक्योरिटी चेक इन, फर्स्ट इमिग्रेशन पॉइंट देन सिक्योरिटी पॉइंट हमने क्रॉस कर लिया. और अभी हम हैं कहाँ पे, ड्यूटी फ्री में. अभी हम क्या करें मिंकी, अभी हम क्या करें. हमारा गेट नंबर क्या है, गेट नंबर 19 है. हमारी कौन सी है, सिंगापुर के लिए. ये रही हमारी फ्लाइट, ये रही हमारी A380. तो बेसिकली अब हम लोग पहले जाएंगे दिल्ली टू सिंगापुर, देन हमने सिंगापुर टू बाली एक और फ्लाइट, एक और टिकट परचेज करी है. अरे मेरा व्लॉग के बीच में बोलो. अरे ठीक है, ले लेते हैं स्लीपिंग बैग, लेते हैं. ये जहाँ जाती है कुछ ना कुछ गिरा के लाती है. देख फिर गिरा रखा है इसने भाई, मेरा फेवरेट. अरे मेरा फेवरेट नहीं, कुछ लोग मिंकी जैसे भी हैं. मिंकी मेरे भाई मिल गए. देखो भाई ये एक मिथ है, हनीमून में 2 लोग जाते हैं पति पत्नी, जबकि घूमने ये जाती हैं और पति तो सिर्फ ये कर रहा होता है. समझ रहे हो, पहले सारा सामान बीवी को पकड़ा के व्लॉगिंग कर रहा होता है. खाने को दे दो यार, खाने को. यार मैकडी का में क्या पसंद है विंकी? चिकन रैप, चिकन रैप. फिनिश. Finally, finally, the moment has come, the big day for me. He's about to board a plane. सही में ये शायद पहले तो जा चुकी है ना, मैं तो डोमेस्टिक भी नहीं गया है ना, वही तो मेरे लिए मैं पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहा हूँ और हमारे लिए हम फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं. ठीक है, तो अब चलो चलते हैं फिर. वेलकम बैक टू द चैनल. प्लेन सिंगापुर तो पहुंच गए हैं. अब यहाँ से एक और फ्लाइट है बाली की, वो है एयर एशिया वाली. तो कंफर्म ये कर रहे हैं कि भाई लगेज हमारा जो होगा वो यहाँ से हमें पिक करना पड़ेगा या फिर हमको सीधा बाली मिलेगा, क्योंकि हमने मेंशन करा था कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स बाली एंड इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट हो गया मेरे सिंगापुर में.
तो उसने सेकेंड अटेम्प्ट में कर दिया था। तो अभी देखते हैं वही पे। हाँ, उसी चीज़ के लिए पहले यहाँ पे अराइवल कार्ड बनाना पड़ता है। फ्लाइट है वो पॉइंट टू पॉइंट है, किसी और एयरलाइन के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमें लॉस एंड फाउंड में अपना लगेज चेक करना होगा। ये मैं क्या जाऊँ आ जाओ। ये है कौन सा है, फर्स्ट फ्लोर है ना हमारा। ये तो पार्किंग की तरफ जा रहे हैं हम। अभी देखो बोर्डिंग पासिस गाइज हमने ले लिए हैं, लगेज का अभी ना हेयर फेयर चल रहा है। हमें टर्मिनल 4 से हमको बाली की फ्लाइट लेनी है और हम टर्मिनल 2 में आए थे दिल्ली से सिंगापुर। तो अब हम कंफ्यूज हो गए हैं कि हमारी फ़्लाइट का जो बैगेज है वो यहाँ मिलेगा या बाली जाएगा। टर्मिनल 4 भी हमको जाना है, इमिग्रेशन भी करनी है, फिर वही सब जो सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब कुछ होता है जो। तो हम उसमें कंफ्यूज हो गए हैं कि बैगेज के पीछे भागें या फिर सिक्योरिटी चेकिंग करवाएँ, क्या करें। वो टाइम भी कम है, 5 घंटे का ले ओवर था, पर हम यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर जाना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। इतना बड़ा है एयरपोर्ट है, बैटरी भी डेड हो रखी है। पकड़ेगी पीछे एक बार। हाँ मिंकी, मिंकी जा रही है अभी लॉस एंड फाउंड सेंटर में, बिकॉज उन्होंने कहा है कि भाई लेडी जाएगी और T4 वाले में, T4 लॉस एंड फाउंड सेंटर में जाके ये पता करेगी कि T2 में तो नहीं है, आप यहाँ पे कंफर्म करो, और अगर यहाँ पे भी नहीं है तो फिर T2 वालों से बात करो। बसर भाई तुम टैक्सी के रेट देखोगे यहाँ पे, पी कार्स में और ऑफ पी कार्स में। ये देखो $34 to $39 एंड ऑफ पी कार्स में $24 to $29। आ गई, क्या हुआ मिनकी, रोक क्यों रही है, क्या हो गया? ये इंडिया वाले ना अभी ना T4 में है ना T2 में है। अब यहाँ से लोग ये कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम अपने फ्लाइट बोर्ड करो और लगेज को लॉस एंड फाउंड में ढूंढना बाली में जाके, क्योंकि पहले भी एयर इंडिया वाले काफ़ी बार कर चुके हैं। क्या है सर्विस ना, ये लास्ट टाइम इंटीमेशन देते हैं ना, ये लगेज का कुछ सीन कर रहे हैं ढंग से। भाई वर्स्ट एक्सपीरियंस है, वर्स्ट एक्सपीरियंस हमारी है QZ 505, यही है, ये वाली है हमारी आई गेस। अच्छा ठीक है सर, सिंगापुर से भी सिक्योरिटी चेकिंग हो गया है, इमिग्रेशन हो गई है, बाय बाय सिंगापुर। वो देखो क्या शो चल रहा है, एवेंजर्स सारे यहीं पे आ रखे हैं सिंगापुर एयरपोर्ट में। वो देखो ओहो, ये लेफ्ट वाला ना ये मारता है स्पाइडरमैन वाला पोज, मारेगा स्पाइडरमैन वाला पोज मारेगा। अरे शेन तेरी तरह टॉक करने वाला था ये, ओ तेरी भाई, मारो सर फोड़। देखो यहाँ का देखो बर्गर किंग भी है, ये देखो यहाँ पे कुछ अलग है या सेम है पता नहीं यार, जो भी है मैं खाता हूँ मशरूम चिप्स नहीं, इसका चिकन बहुत अलग है। तो बाय बाय, फाइनली हम बाली की फ़्लाइट में जा रहे हैं। दिन पासार नाम से सिटी है, वहाँ जाएंगे। अब लगेज का पता नहीं, लगेज आए ना है, हम तो जा रहे हैं भाई। इतना छोटा सा एयरक्राफ्ट है, ऐसे वाला उतरना था अलग से, ये सपना ही पूरा हो गया है। पर इसका ड्राइवर सबसे थकेला ड्राइवर था। पहले ऊपर खो गया, उसके बाद ढंग से लैंडिंग नहीं हुई इससे, उसके बाद उसके गेट मुझे बंद नहीं हो रही, ड्रिल कर रहे गेट बंद कर रहा है। तो यार बस है ये वाली, चलते हैं। अब हमारा टास्क है अपना लगेज ढूंढना, लगेज मिल जाता है तो
बढ़िया है, नहीं मिलता तो क्या कर सकते हैं, तो भी बढ़िया है। ठीक है, ये वीजा ऑन अराइवल का डेस्क है। यहाँ पे $66 लगे हैं फॉर द कपल, और अभी जो है अभी क्या चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है 2022। बाकी ये रेट भी लिखे हुए हैं यहाँ पे कि ये क्या है रेट्स, ये चेक कर लो एक बार आप लोग, हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। बैगेज तो ये रहे, बेड नंबर थ्री हमारा यहाँ पे आना चाहिए तेरे अकॉर्डिंग ना, 2G का मिल जाए यार, मिल जाए। तू प्रे कर, मैं ढूंढता हूँ। लगेज नहीं है अभी, मैं 2 और 1 में देख लेता हूँ। बेल्ट 4 में भी नहीं है। इतनी बेकार सर्विस है ना एयर इंडिया की, इतनी बेकार सर्विस है ना, मतलब बता नहीं सकता। दूसरा दिन हो गया है आज, पहले उन्होंने फ़्लाइट मिस करवाई, 60,000 रुपये एक्स्ट्रा लगवाए, अब इन्होंने लगेज नहीं भेजा। अब जो आगे हमने प्रोग्राम जो आइटनरी बना रखी है उसकी भी बुकिंग वो दोबारा करनी पड़ेगी इनकी वजह से। आज नहीं मिलने वाला बैग। देखो अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर घूम रहे हैं, जस्ट लाइक 24/7 जो था ना हमारे दिल्ली में, वैसे घूम रहे हैं हम बाली में आके, और यहाँ पे बैंक ही खा रहे हो कि खाना बड़ा बेकार है भाई। क्योंकि हमने एक जगह खाना खाया था, मतलब बड़ा बेकार था भाई। मसाला पीनट कोई ख़राब कैसे बना सकता है, है मिंकी? मिंकी बना सकती है मसाला, क्या? मसाला पीनट्स कोई कैसे, मैंने बहुत अच्छे बनाए थे यार, कोई कैसे ख़राब बना सकता है, मुझे ये बता दो, इतना ख़राब। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11 बजे भी हमको लगेज नहीं मिला है, और पता नहीं लगेज कल मिलेगा परसों मिलेगा, समझ नहीं आ रहा यार कि हम ट्रैवलिंग करने आए हैं या बैग यहाँ पे बैग खेलने आए हैं, एयरपोर्ट से यहाँ, वहाँ से यहाँ, दिमाग सब कैसे लग गया यार, सब मिस कर दिया हमने एक्टिविटीज। बाय।